बज चुकी है चुनावी रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान, चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। आप सबों से हम वादा नहीं करते हैं, वादा तो टूट जाता है, इसलिए एक इरादा लेकर आए हैं, एक प्लान लेकर आए हैं, एक मिशन लेकर आए हैं। इस चुनाव के दौर में इतना व्यस्ततम कार्यक्रम होते हुए MM न्यूज ने हमें अपना बात रखने का मौका दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकेश कुमार लिलादा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान में आया हूँ, जो कि पहले मेरी माँ मुखिया रह चुकी थी। 1.5 साल का कार्यकाल था मेरे माँ का, और उसके बाद माँ का देहांत हो गया, और यही सब कारण से मैं पुनः मुखिया में नहीं आना चाहता था। लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं, गांव समाज के लोग हैं, दोस्त महीम हैं, यार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो आना ही होगा, क्योंकि मेरा जो 1.5 साल का कार्यकाल था वो मैं अपने मुंह से नहीं, ये हमारे जनता बोलते हैं कि आपका बेहतरीन था, और जो भी किया मैंने निष्पक्ष किया, जो भी हमारा योजना आया वो धरातल पर सही जगह उतरा, ऐसा नहीं कि वैसा जगह पे हम योजना को लाएं जहां पर कि यूज नहीं था, वैसे जगह को सिलेक्ट किया जहां पे बहुत ही ज़रूरी था योजनाओं का, वहाँ पे मैंने अपना योजना को रखा। और इसके बाद तो उपमुखिया के हाथ में शासन चला गया, और उन्होंने ही पूरा कार्यकाल उन्हीं के हाथ में रहा। मेरा चुनाव चिन्ह है कैलकुलेटर छाप, जो कि क्रमांक संख्या 9 में है, और मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि अगर आप लोग हमें फील्ड में उतारे हैं तो आप ही हमें कुर्सी पर भी बैठाइएगा, और आप ही मालिक हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों का देखभाल कर सकता हूं, जो भी योजना आएगा धरातल पर सही सही उतार सकता हूं, जो योजना जिसके लिए आएगा उस घर तक पहुंचा सकता हूं, सिर्फ इसके लिए मैं आपके बीच आया हूं। और रही बात, बहुत सारा योजना आता है जो मुखिया रहता है, अगर मुखिया क्रिएटिव हो, मुखिया लगनशील हो, मुखिया अगर अपने पंचायत को ऊपर ले जाना चाहते हो तो सिर्फ उस फंड से नहीं हो सकता है। बहुत ऐसा है समाज में, हमारे समाज में कुरीति है जिसको कि हम लोग दूर कर सकते हैं, सब कोई समाज में मिलकर, किसी एक से नहीं होगा, और वैसे कुरीतियों को हम दूर करना चाहेंगे, और समाज में जो स्वच्छता होना चाहिए, जैसे कि हमारा लिलादा जो ग्राम है वो आदर्श पंचायत है, लेकिन आदर्श वाला कोई भी बात वहाँ पे नहीं है। और इस बार कोशिश करेंगे, मैंने संकल्प ले लिया है, सिर्फ कोशिश ही नहीं करना है, मैंने संकल्प ले लिया है कि उसको आदर्श गांव बनाना है, और वहाँ के आदमी को भी आदर्श बनाना है। जो शिक्षा लेने योग्य कोई बच्चा है, अगर वो शिक्षा नहीं पा रहा है तो मेरा स्कूल भी है महिंद्रा बाल विद्या निकेतन, और कोई विकलांग बच्चा होगा उसके लिए, जो सैनिक का बच्चा होगा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया जाएगा। और हम एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी हैं, शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़ जाता है वो जो भी काम करता है सही करता है, उसको दूरदर्शिता होता है, वो पढ़ा लिखा इंसान होता है और समाज के लिए बेहतरीन काम करता है। तो हम, और आज से नहीं बचपन से, मेरे पिताजी का देहांत आज से 23 साल पहले हो चुका है, लेकिन हम समाज के साथ ही पले बढ़े। आप लोग अपना विचार कीजिए, और 5 साल में एक वोट देने का मौका मिलता है,
एक से आप एक साल के बाद आप चेंज नहीं कर सकते मुखिया को। एक वोट देने का मौका मिलता है तो आप लोग सोच समझ कर दें कि कौन मेरा आगे हर काम को, हर योजना को, हर सुख दुख में हमारे साथ रह सके, उसको चुनिए। अगर एक वोट से कोई गलत इंसान चुनकर आ गया तो सिर्फ आपको नहीं भुगतना पड़ेगा,